नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सोने अथवा चांदी के गहने खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है। पहली अच्छी खबर तो यह है कि सोने और चांदी के भाव में आज गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ मैं आपको बता दे कि एक्सपर्ट के अनुसार सोने और चांदी के भाव में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रूस के द्वारा कोरोना वायरस के वैक्सीन की घोषणा के बाद में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सोने का भाव अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के ऊपर भी निर्भर करता है और इसको लेकर काफी अच्छी उम्मीदें आने वाले समय के लिए जताई जा रही है। अमेरिकी डॉलर में आ रही मजबूती का असर सोने के भाव पर दिखेगा। इसी के साथ में दुनिया भर में फिर से निवेशकों ने शेयर बाजार की ओर रुख कर लिया है। बता दें कि अब तक सोना अपने उच्चतम स्तर से 4281 रुपए तक सस्ता हो चुका है। बात करें आज के सोने के भाव की तो प्रति 10 ग्राम के अनुसार 51,973 रुपए पर सोने का भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में चांदी के भाव में भी 1,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद में चांदी का दाम 66,374 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। अगर आप भी सोने अथवा चांदी के गहने खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए।